स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद देश में सियासत होनी शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस ने जहां इस पोस्ट को ट्वीट करते हुए डरपोक का कैप्शन दिया, तो वहीं महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, उनको भी इस डॉक्यूमेंट्री के हटाए जाने के बाद गुस्सा आ गया है। जिसके बाद देखने को मिला केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और साथ ही उनका कहना है कि ये जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से भारत को दुनिया की नजरों में कमजोर दिखाया जा सके। बता दें कि गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में किए गए ट्वीट और यूट्यूब वीडियो के लिंक को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए हैं। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बीबीसी पर उसकी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के निशाना साधा है। बता दें कि कानून मंत्री ने उन लोगों से भी सवाल पूछा है जो कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। आरोप है कि बीबीसी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री में कुछ गलत तथ्य दिखाए हैं और भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के कई सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नेता हैं, वो इसके समर्थन में भी उतरते हुए दिखाई दिए हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा, भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से दूर नहीं हुए हैं। वे लोग बीबीसी को भारत के उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकांक्षाओं से खुश करने के लिए देश के गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट भी किया है और उसमें वे लिखते हैं, वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं कर सकता, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत की एकता को कमजोर करना है। बता दें इसी सिलसिले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा, सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि भारत में कोई भी बीबीसी का शो ना देख सके। शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्राट और दरबारी इतने असुरक्षित हैं। बता दें कि भारत सरकार ने YouTube को आदेश दिया है कि वो बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी दोषपूर्ण डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दे। बता दें इसी के साथ ही YouTube के साथ Twitter के उन लिंक को भी ब्लॉक करने को कहा गया है जिसमें इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर किया गया है। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने सामूहिक तौर पर डॉक्यूमेंट्री की जांच के बाद लिया है। जांच में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर गलत असर डालने वाला पाया गया है। आपको बता दें, देखने को मिला था कि जो वर्ष 2002 में गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं शक के घेरे में और निशाने पर बार बार प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा लिया जाता रहा है। लेकिन इसकी जांच भी अपने समय पर हुई है और बकायदा देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट भी दे दी है। लेकिन इसके बावजूद जो विपक्षी दल हैं, लगातार इस मामले पर घेरते हुए नजर आते हैं और जिस तरीके से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में एक गलत प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की गई है, तो इसको भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और भारत के जो विदेश मंत्रालय है उनकी ओर से यह साफ तौर से कहा गया है कि यह बीबीसी के एक झूठा एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये महज प्रोपेगेंडा मात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की गहनता से जांच की। जांच के निष्कर्ष के तौर पर यह पाया गया कि डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ देश के अंदर की सार्वजनिक व्यवस्था पर बुरा असर डालेगी, बल्कि इससे विदेश में भी कई देशों के साथ भारत के दोस्ताना रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम 2021 के तहत यूट्यूब और ट्विटर को आदेश जारी करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को हटाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इस आदेश का पालन भी ट्विटर और
प्रचार यूट्यूब द्वारा किया गया है और डॉक्यूमेंट्री को हटा लिया गया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जब ब्रिटेन के संसद में ये आवाज उठाई गई थी पाकिस्तानी मूल के सांसद के द्वारा, और ये कहा गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जो बातें कही गई है इसका असर कितना सच है, कितना सही है, क्योंकि पाकिस्तानी मूल के सांसद ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर पर सवाल उठाया था इस डॉक्यूमेंट्री के आधार पर, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतरे थे और उन्होंने कहा था कि जो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाने की कोशिश की गई है, जो कैरेक्टर क्लैरिफाई किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। यानी कि ऋषि सुनक ने भी सीधे तौर पर फटकार लगाई है इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के। दरअसल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी ने अपनी विवादित डॉक्यूमेंट्री को दो सीरीज के तौर पर बनाया था। इस सीरीज में साल 2002 के गुजरात दंगों को फिर से उभारते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की नकारात्मक छवि पेश की गई थी। बता दें कि गुरुवार को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर इस डॉक्यूमेंट्री की निंदा की गई और इसे एक प्रोपेगेंडा बताते हुए खास मकसद बनाई गई डॉक्यूमेंट्री करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वालों की सोच और मानसिकता साफ तौर से झलक रही है कि वो किस तरीके का प्रभाव आज के समाज में डालना चाहते हैं। खास बात यह भी है कि बीबीसी से ये डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध ना होने के बाद भी कई अन्य यूट्यूब चैनल से पब्लिश करके देश विरोधी एजेंडा चलाने में जुट गए हैं। अब यूट्यूब और ट्विटर को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री या उनके कंटेंट को प्रकाशित करने वाले हैंडलों को बैन करें। देखने को मिल रहा है कि लगातार इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जहां विपक्ष सवाल कर रहा है, तो जनता भी सोशल मीडिया पर ये तमाम सवाल पूछ रही है कि आज जो कांग्रेस इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने पर मोदी सरकार को डरपोक बता रही है, तो वो कांग्रेस इस बात पर जवाब क्यों नहीं देती जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था और रेडियो पर बहुत सारे ऐसे सिंगर्स थे जिनको गाना गाने से रोक दिया गया था, बैन कर दिया गया था। इसी के साथ ही सोनिया गांधी को लेकर के एक किताब लिखी गई थी, आखिर इस किताब के पब्लिकेशन को क्यों बैन कर दिया गया था और ये किताब क्यों इंडिया में रिलीज होने से रोका गया था। और इसी के साथ ही जो हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी, अनुपम खेर ने उसमें अहम रोल निभाया था और मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर ने निभाया था। इस फिल्म का नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस फिल्म को लेकर भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने विरोध किया था। सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस को लेकर के कोई किताब छापी जाती है, लिखी जाती है या फिर कोई फिल्म बनती है, तो कांग्रेस के नेता इस चीज पर आपत्ति क्यों जताते हैं, जबकि ये चीजें उन्हीं के शासनकाल के दौरान हुई थी। आज जब बीबीसी के द्वारा किसी बाहरी मीडिया संस्थान के द्वारा इस तरीके से गुजरात दंगों पर आधी जानकारी के बिना इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है और एक प्रधानमंत्री की छवि को नकारात्मक तरीके से पेश करने की कोशिश की जाती है और सरकार इसको लेकर के एक्शन लेती है, तब ये बौखलाहट लोगों की नजर आ रही है जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं और उनका साथ देते हैं, वो आज बीबीसी न्यूज चैनल का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।